मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद में प्रस्तुत केंद्र सरकार की वर्ष 2024-25 के अंतिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का आह्वान किया है। इस आह्वान को साकार करने की दिशा में ये बजट मिल का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। देश की जनता ने देखा है कि हमारी केंद्र सरकार ने 10 वर्षों से देश के सर्वांगीण विकास और जन जन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को बहुआयामी गरीबों से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। 1,40,00,000 युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों की ट्रेनिंग दी गई। इस अवधि में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इसी का परिणाम है कि वर्षों में भारतीयों की औसत वास्तविकता आय में 50% की वृद्धि हुई है। आज रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की मूर्ति का अनावरण वहां पर हम सब लोगों ने किया और वो रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि रायगढ़ का वो बेटा था और वो शहीद हुआ और मूर्ति के लग जाने से आने वाले पीढ़ी पीढ़ी तक उससे लोग प्रेरणा लेंगे। और दूसरा एक पुसौर के पास तुरंगा में आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, उनका 200वां जन्म शताब्दी चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में संत सम्मेलन का आयोजन था तो उसमें भी गए थे। सर, राजीव युवा मितान क्लब योजना थी, उसको बंद कर दिया गया था, वर्ती सरकार की मुख्य योजना। हाँ, उसकी समीक्षा करेंगे, लाभ हानि देखेंगे, फिर उस पर सरकार विचार करेगी। सर, राहुल गांधी की यात्रा जो है वो होने वाली है और सचिन पायलट का भी दौरा है, बैठकें वो कर रहे हैं विभिन्न जिलों की, नहीं इस बार तो हम लोग 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर देंगे, चाहे कांग्रेस वाले उसके लिए कुछ भी कर लें।